फनी जोक्स और फनी वीडियोस के लिए उर्दू हिंदी फन टीवी को सब्सक्राइब करें। मौलवी साहब ने एक शख्स का निकाह पढ़ाया। उस शख्स ने पूछा कि मौलवी साहब आपकी फीस कितनी है। मौलवी साहब ने कहा कि अपनी दुल्हन की खूबसूरती के हिसाब से जो मर्जी दे दो। उस शख्स ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाल कर दे दिए। मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया। इसी दौरान हवा का झोंका चला और दुल्हन का घूंघट उड़ गया। मौलवी साहब ने फौरन अपनी जेब से 80 रुपए निकाले और बोले, बेटा ये बकाया ले लो। सरदार की सुहागरात थी। सरदार अपनी बीवी को तोहफा देने के लिए फूल ले गया। जब बीवी को फूल पेश किया तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि मुझे सोने की कोई चीज़ चाहिए। सरदार ने फौरन अपनी जेब से नींद की गोलियां निकाल कर दे दी। शादी के कुछ अरसे बाद एक शख्स अपने ससुराल गया। ससुर ने पूछा, और सुनाओ बेटा, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। इसने जवाब दिया, आपने मुझसे क्या लेना, आपके घर तो सुकून हो गया ना। बीवी ने अपने शोहर से कहा, मुझे नया सूट चाहिए। शोहर ने कहा कि पहले ही इतने सूट पड़े हैं, अलमारी भरी पड़ी है। बीवी, वो सब तो मोहल्ले वाली औरतों ने देखे हुए हैं। शोहर, तो फिर सूट रहने दो, मोहल्ला बदल लेते हैं।